नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ शेयर के बाजार में। अभी तक दोस्तों मैंने आपसे बात की कि कैसे आप अपना पैसे को बढ़ा सकते हैं इसमें पैसा लगा के, लेकिन अब आपके मन में शायद ये भी ख्याल होगा कि क्या हम दूसरे का पैसा अपने थ्रू लगा सकते हैं, क्या हम उसे कमीशन मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको मिल सकता है। आप वहाँ किसी ब्रोकर फर्म में जाकर सब ब्रोकर बन सकते हैं। उसकी क्या कंडीशन है मैं वो बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। पहले आपके पास एक लाइसेंस टाइप में, मतलब एक आपको सर्टिफिकेशन पास करना होगा। उस सर्टिफिकेशन का नाम है NISM सीरीज होती है, वो आपकी इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। इसकी काफी सारी सीरीज है, म्यूचुअल फंड की होती है, एडवाइजरी की होती है और अलग अलग टाइप की होती है। तो आपको NISM सीरीज 8 सर्टिफिकेशन क्लियर करना होता है। इस सर्टिफिकेशन में जो क्वेश्चंस होते हैं, आपको थोड़े से मार्केट के नॉलेज होने चाहिए, ठीक है, किस हिसाब से ट्रेड होती है। उसके लिए आपको सिलेबस दिया जाएगा और स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इस एग्जाम की फीस जो होती है अप्रोक्स 1500 होती है, इसमें इंक्लूडिंग जब टैक्स लग जाता है तो अप्रोक्स 1700 के आसपास में चला जाता है इसका जो सर्टिफिकेशन होती है। और ये 3 साल के लिए वैलिड रहता है, आज के लिए 3 साल तक आप अपने थ्रू ट्रेडिंग करवा सकते हैं किसी इन्वेस्टर की, ठीक है। और वो जो भी ट्रेडिंग करेगा और उसका कुछ पार्ट मेन ब्रोकर के पास में जाएगा, अप्रोक्स 30-70% रहता है, 30% जाता है ब्रोकर के पास, 70% आपके पास के थ्रू आपके थ्रू से गया है। जब आप ये पास आउट कर लेते हो, ठीक है, 3 साल के लिए वैलिड हो जाता है, फिर इसके बाद रिन्यू कराना पड़ता है इसको। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया NISM सर्टिफिकेशन आपको पास करना होता है, फिर उसके बाद आपको ब्रोकर जिससे आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, ठीक है, इसके साथ आप अपना कमीशन शेयर करना चाहते हैं उस ब्रोकर के पास जाएंगे, वो आपसे कहेगा सिक्योरिटी मनी आपसे मांगेगा। सिक्योरिटी मनी में आप अलग अलग मांगते हैं, ठीक है, मिनिमम जो मैं बता दूं 25,000 के आसपास में मांगते हैं और वैसे तो 1.5-2 लाख तक जाता है अकॉर्डिंग टू द आपके ब्रोकर फर्म के हिसाब से, ठीक है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, स्टॉक है, तो वहां पे आप प्लेज करवा सकते हैं, उसके फिर आप उस फ्रेंचाइजी का यूज कर सकते हैं आप सब ब्रोकर के लिए, ठीक है। मतलब यही रहता है कि आपने वहां पे अपने सिक्योरिटी मनी दिया, ठीक है, उसके फिर में आपको फ्रेंचाइजी दे देगा, आप उस ब्रोकर फर्म का नाम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको होता है शेयर फर्म लोग ये सब देते हैं, ये अच्छे फर्म है, ठीक है, वैसे तो सजेस्ट करूंगा आपको, ग्लोब बहुत अच्छा है, ठीक है। और वहां पे करेंगे तो बिल्कुल एक्वायर रहेगा, टाइम टू टाइम आपकी पेमेंट होगी, आपको एक लाइन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और ठीक है, जब आपने क्लच करवा लिया उनके पास में अपना 1 लाख शेयर या फिर मनी दे दिया आपने, तो फिर वो आपसे क्या है कि NSE बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब जिस सेगमेंट में आप ट्रेड करवाना चाहते हो, जैसे मैंने अलग अलग ट्रेड के बारे में आपको बताया था, और आपको लोगों को नहीं बताया तो आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और जब उस सेगमेंट में आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2,000 रुपये देने पड़ते हैं, 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन होता है, वो NSE बेस्ड में जाता है, ये पैसा आपका ये ब्रोकर के पास नहीं जाता, ठीक है, उन्हें पता लग जाता है NSE बेस्ड में ये सब ब्रोकर है, ठीक है, उनका रजिस्ट्रेशन वहां पर हो जाता है, फिर उसके बाद काम स्टार्ट होता है। जब ये अपने सही प्रोसीजर फॉलो कर लिए, फॉलो करने के बाद आपको फिर वो अपने फॉर्म भेजेंगे, आपके नाम से वो आपका विजिटिंग कार्ड बनाएंगे, ठीक है, बैनर चाहिए तो आपको प्रोवाइड करेंगे, तो जो आपकी डिमांड है मतलब अपने बिजनेस के रूप में आप इसको कर सकते हैं। और अब आप सेलिंग बेसिस पे कैसे काम करेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको, कि आपको क्या क्लाइंट चार्ज करना है, ठीक है, और क्या आप अपने जो ब्रोकर है उससे कितना डील आप रखें वो मैं बता देता हूँ अमाउंट आपको थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि 100 रुपए की ट्रेड की क्लाइंट ने, मतलब बाय करा, इस पे आप अपने ब्रोकर से साफ कह दीजिए मुझे आपसे जो पैसा चाहिए डिलीवरी पे, मैं डिलीवरी बेस पे बात करूंगा सिर्फ, ठीक है, डिलीवरी पे आप कह दीजिए मैं आपको मिनिमम 5 पैसा दे सकता हूँ, अगर वो नेगोशिएट करता है उस चीज पे तो ठीक है, तो उतना रखेगा 5 पैसा रखेगा, फिर 5 पैसा आप करें मिनिमम
अगर इससे कम दे रहा है तो वो आपसे वैल्यू मांगूंगा, मतलब क्या कि महीने में मेरे को इतना वॉल्यूम चाहिए, मतलब इतनी की ट्रेड चाहिए, तो उस प्रेशर में आप काम लोग मत करिएगा, क्योंकि फिर आप वो वॉल्यूम बनाने के चक्कर में इन्वेस्टमेंट का पैसा डुबो ही सकते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से रखिए, मिनिमम अगर इतना करता है तो ठीक है, अगर उससे कम में जाता है और कहता है वॉल्यूम चाहिए तो मना कर दीजिएगा, और मैक्सिमम आप उससे दे सकते हो 10% के हिसाब से, ठीक है। ब्रोकर से आपको इतना आप उन्हें दे दीजिए, अब आप कहेंगे मैं कितना कमाऊँ, फिर 100 रुपये का, तो 100 रुपये पे आप एक क्लाइंट से ले सकते हो, मिनिमम आप 50 रख लीजिए, ठीक है, पैसे तो कम भी रख सकते हैं, 40 पैसा भी रखेंगे तो आपको 30 पैसा इस पे मिल जाएगा, ठीक है। तो सपोज कीजिए 1 लाख की अगर ट्रेड की किसी क्लाइंट में, तो आपको 300 रुपये यहाँ पे मिल गया, ठीक है, 40 पैसे के हिसाब से 100 रुपये चले गए आपके ब्रोकर के पास में, ठीक है। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को, तो मैं 40 पैसे की बात की, अगर यहीं पे आप 50 करते हैं तो आप 1 लाख पे 500 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, जिसमें से आपको 100 रुपये देना है ब्रोकर को, ठीक है। यहाँ पर मैंने काम कर दिया 10 पैसा, 100 रुपये डायरेक्ट उसको दे दिए थे, 300 रुपये आपके प्रॉफिट में रखे थे। तो यहाँ पे अगर आप 50 पैसा चार्ज करेंगे, 1 लाख की अगर आप ट्रेड कराते हैं तो आपको 400 इधर मिल जाएंगे, ठीक है, और 100 रुपये आपके ब्रोकर के पास में मिलेंगे। टोटल कमीशन आपका आएगा 50 पैसे पे 500, जिसमें 100 रुपये गया ब्रोकर के पास, 400 आपकी जेब में, कमीशन आपका बन गया। 20 दिन की ट्रेड होती है आपकी, ठीक है। आप सपोज कीजिए अगर आपने 1 लाख का ट्रेड करा है 1 दिन में, ठीक है, वैसे इससे ज्यादा के होते हैं, कम से कम 1 करोड़ के पहुंच जाते हैं, उस उतने के बाद में 1 लाख की बात करता हूँ। अगर 1 दिन में आपने 1 लाख के ट्रेड कर दिया और उन्हें 500 रुपये अर्न कर लिया, या फिर 400 आपका मार्जिन आपका आ गया, तो सपोज कीजिए कितना आ गया 20 दिन में आपका 8,000 आपने अर्न कर लिया इजिली सिर्फ ट्रेड करा दी, ठीक है। ये मिनिमम से मिनिमम लेके चल रहा हूँ मैं, बिल्कुल 1 लाख की ट्रेड कुछ नहीं होती है, बहुत ज्यादा अर्न करते हैं। अगर आपका क्लाइंट बेस ज्यादा है, अच्छे इन्वेस्टर आपको मिल गया, तो आपके बल्ले बल्ले इसमें 1 और 0 लगने आराम से लग सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा प्रोसीजर, अगर आप ब्रोकर बनना, सब ब्रोकर बनना चाहते हैं किसी ब्रोकर फर्म में, तो ये कंडीशन आप रखिएगा, ठीक है। ब्रोकर से आपके लिए मैं आपको 5 पैसा मिनिमम, तो मैक्सिमम 10 पैसा, अगर वो ब्रोकर अच्छा है तो, ठीक है, इसके बिटवीन में रखिएगा, नहीं तो अगर इससे ज्यादा रखेंगे तो फिर आपको कुछ नहीं हो पाएगा। और इससे अगर कम कहता है, वॉल्यूम की बात कहेगा, वो जरूर आपसे कि मुझे इस महीने में इतनी ट्रेड चाहिए तभी मैं आपको ये कंडीशन दे पाऊंगा, तो वहां पर चाहिएगा, क्योंकि आपको मार्केट को इन्वेस्टमेंट पर्पज से बनाना है, ट्रेडेड पर्पज से नहीं बनाना। तो ये चीज थी, आप ऐसे भी अर्न कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, और भी इसके अलग अलग तरीके हैं, वो मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। सो एंड में आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, अपना पैसा ग्रो कीजिए इस मार्केट में और इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आपका दोस्त हमेशा आपके साथ में है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को नहीं पता है, और कमेंट कीजिएगा अपने क्वेश्चंस के लिए। और आप चाहते हैं ऐसी वीडियो आपको मिस ना हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, जिससे आप जैसे मैं वीडियो डालू तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अंत में आप लोगों से कहता हूँ इजाजत, और नई वीडियो के साथ दोबारा लौटूंगा, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।